नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की जा रही है, जिसमें किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद पथरिया विधायक रामबाई से परिहार ने किया बरबटी स्थित पनामा कंपनी द्वारा संचालित साइलो सेंटर का निरीक्षण। राहुल सिंह लोधी विधायक दमोह सहित कल्लन जैन, वरिष्ठ नेता आशुतोष शर्मा एवं क्षेत्रीय किसान भी रहे उपस्थित। गेहूं की खरीदी की तुलाई एवं जांच के लिए जा रहे सैंपल में भी अनियमितता पाई गई। विधायक रामबाई द्वारा जिला कलेक्टर को फोन पर जानकारी दी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए एवं सभी किसानों को आश्वासन देकर व्यवस्थित तुलाई प्रारंभ कराई गई। अब देखना होगा कि विधायक के निरीक्षण के बाद किसानों को कितना फायदा मिलता है। नहीं, 10-15 किलो को बंद कर फिर भी पड़ रहा है। फिर भी अब कम है, डस्ट भी भारी तब भी कम दे पाए। डस्ट कर रही है ना भारी डस्ट जो उनके साथ लगा है। पांच पांच छह दिन तक हो जाए, पांच दिन हो गए। एक बात बताओ, आप कहाँ के हो? दमोह के हो तो इनके मीतिया हो कि दमोह के किसानों की मीतिया? किसानों के होते अगर होते ऐसी तो तुम जावे लो। पहली बात ओपन नहीं करते कि झगड़ा बड़ी कर रहे। मैडम ये क्या है, वो डस्ट जो गाड़ियों से उसमें आ रही है उसके कारण है। उसमें डस्ट कितने की हुई है, कितने किलो हो जाए डस्ट बताओ। मैं अगर प्रॉपर मूव नहीं किया तो वो डस्ट का ये था सर। इसकी एफआईआर दर्ज कर रहा हूं। तो 460 वजन धर और ट्रैक्टर धर तो 3090 का है बताओ। फिर तो नाप तोलवारे सही हो के फर्जिया हो? 5 किलो वाली बात नहीं है। सही हो के फर्जिया हो के किसानों के साथ गलत कर रहे हो? जो कर रहे हो संग कर रहे हो। तुम दमोह के पूरे जिले भरे के किसानों को बेवकूफ बना रहे हो। शर्म नहीं आती है कि बेचारे 8-8-15 दिन से पड़े हैं भूखे प्यासे और बागी को तुम चूना लगा रहे हो उनके लाने? 4 दिन से पड़े हैं हम लोग, नहाओ तक नहीं है हम रहे। 4 दिन से पड़े हैं नहाओ नहीं है। ये जिनके जो किसान जो खड़े जो झूठी बताए हैं, झूठी बताए हैं। दीदी एक ट्रावली पे 85 किलो को अंतर आ रहा है। झगड़ा बड़ी से पैसा को दे रहा हूँ। जब गेहूँ तोलेगा तो 5 किलो कम बताएगा और जब खाली ट्रैक्टर आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बताएगा। एक ट्रॉली में 5 किलो भी माल होगा, 300 ट्रॉली में कितना? जैसा बोलोगे वैसा वेरिफिकेशन करके देंगे या उसको करेक्शन करके देंगे। हमने जो भी किया है अभी हमारे और से तो ठीक है। नहीं, नहीं, अगर आपको डाउट लग रहा है आप तो जा बताओ कि इतनो कम जोन तोलो है इको पैसा किसानों को दे। 50 किलो धूल का भी आया जो निर्णय कर। 50 किलो धूल के कारण कम आया। हमारा तो गेहूँ पूरा बराबर है। आपने भी बेचो का? नहीं, हम नहीं बेचो। नेता मंत्री सबके घर है तो 2-2, 5-5 लाख रुपया तुम दिया साइलो के चक्कर में। फिर नहीं किसानों के लाने मूर्ख बना के दिया। जेने बुलाओ के पनामा कंपनी ते आओ सु पहुंचे। हाँ जे ले उन्हें बुलाओ सु जे ले इन्हें बुलाओ सु जे ले। सैंपल के लाने कितने किलो ले थे अपन? जैसे किसान को सैंपल 3 किलो ले थे हमने तो अलग काम प्रावधान है। कितने को प्रावधान मिला सैंपल? 5 नहीं लेते। हां हां भाई भरी बोरी ये खाली दबा जब खाली करा के वाले पे आ रहा है तो उस पर ट्रैक्टर का वजह उससे ही आ रहा है। सही आ रहा है, ऐसा क्यों है? अंतर कर देते ना, एक बार यहाँ से कर देते गाड़ियाँ, एक बार यहाँ से कर देते। जैसे इसमें 20 क्विंटल माल रखा हुआ है ट्रैक्टर में, तो 20 क्विंटल आया, 5 किलो का आया, ट्रैक्टर चला गया। जब खाली ट्रैक्टर उस पर चल रहा है तो उसमें एग्जैक्ट वजन आ रहा है, उसमें 5 किलो है। भैया ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्यों खड़े गड़बड़ हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही है। कोई गड़बड़ी है बताओ, समझ में नहीं आ रही है। अब नहीं तो फिर कार्रवाई तुम्हारे विरुद्ध हो भाई। इतना हमारी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, पूरी पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, तो कार्रवाई तुम्हारे विरुद्ध ही हो फिर।
यदि आप इस तरह की गड़बड़ी करोगे, वैसे ही विलम्ब हो रहा है, तुम्हारी लाइन इतनी लगी है, मशीनें ठीक काम नहीं कर रही, कल भी आया आम जनता भी परेशान हो रही है। पचासी थी कल, परसों भी हम लोग आए थे, आप तुझे बताओ इस आधार पे जो इन्हें करो है इक्की सजा, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल खाने ले चले इन सब खिलाने के एफआईआर। मैडम मेरा अनुरोध ये है कि जिन जो किसान पीड़ित है वो एक आवेदन पत्र दे दें, उसकी जांच करवा लेते हैं पुलिस से, और नापतोल वाले विधिवत जांच कर लेंगे, आरोप पत्र बनाना पड़ेगा यदि कोई बनता है इनके रूप, अपन जांच कर लेते हैं, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है, किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम आपकी बात से सहमत 100% सहमत है। हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में 3-3 दिन लग रहे हैं, लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए, यदि हो रहा है तो गलत है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कमी है इनके में, कमी कुछ ना कुछ सजा दही का जावे, जाई तो कह रहा है या तुम की भरपाई दो भाई, तुम की पैसे वापस करो। अब ये आपने, आपने आप लो, सब लोगों ने जो बातें ध्यान में लाई है वो ये रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख देते हैं, आप FIR करा देंगे, जो भी चाहेंगे वैसा करा देंगे, और यदि गलत कर रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं गलत है, FIR होना चाहिए। एक चेंज हो सकता है कि उस तरफ से तुले भरी, उस तरफ से खाली तुल सकती है, वो तो परसों भी कही थी कि हम और आप धूप में चार दिन से खड़े भी गेहूं, आज कितने समय हो गए कटे, गीले हो सकता गेहूं, 3 महीने होगा गेहूं कटे, जो कह रहे मशीनरी बताती आज का टेक्निकल मशीनरी में, जे मशीनरी मोस्टर मीटर है ना मैडम, आप जो बताओ इतने मशीन की गड़बड़ी है तो आप जांच करवा रहे हैं कि हम जांच करवा है तो फिर FIR, और जब बता रहा है तो दो एक दिन सुखा है ना, एक दिन रुक जाए तो अपन 2 दिन करा, 4 दिन से तो भी नहीं खड़े तो करवा लेंगे, 4 दिन में सूख गई होगी, इतनी धूप भाई। आप उसको देखो किसान के साथ इतनी बारीकी भी मत करो, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो उसको नहीं, तुम एक साइड तो ना पूरा लूटने लगे, 85-85 और यही पैसा लेके तोल दे, यही पैसा लेके तोल, पैसा लेके तोल, इन लोगों की पनामा कंपनी हो जो जिनकी भी हो या FIR दर्ज करवाइए, वरना जब पूरे किसान हम धरना पे बिठा देते हैं, लॉकडाउन हो जाए, जरूरत नहीं है कार्रवाई की, 111 की धारा हमारे ऊपर लगा देती, सब पे लगा देती, हम पंद्रह दिन जाएंगे, अरे हम तो 300 भी लगा देते बहुत बड़ी मात्रा में। पहली बात तो किसानों के साथ बहुत छल हो रहा है, सैंपल के नाम से 3 किलो 2 किलो अनाज लिया जा रहा है, फिर दूसरी बात के कारण है, तो आप ये बताओ कि आज ये कम से कम 20,000 हेक्टेयर कितना मैट्रिक टन तुलाई हो चुकी है, लगभग 2 वेयरहाउस भर जाएंगे, तो इतना पैसा इनने कम से कम जनता किसानों के साथ कितना बड़ा छल किया। कलेक्टर साहब को मैंने इसकी शिकायत की, कोई रेफरेंस नहीं मिला उनकी तरफ से, कोई भी संतुष्टिजनक उनने भी बात नहीं कही, उनने बोला मैं ऊपर बात करता हूँ। आप ये बताइए कि भाई किसान, गरीब किसान हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार में ट्रैक्टर लेके आए हैं किराए करके, और 4-4 दिन से पड़े हैं, ऐसी स्थिति है किसानों की, और जो इधर जो मैनेजर हैं वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से चर्चा की है, अब इस विषय पे मैं ऊपर भी जाकर चर्चा करूंगी, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से, हमारे प्रदेश के मुखिया से बात करूंगी कि आप किसानों के हितेशी हैं, आप खुद बोलते हैं तो किसानों के साथ न्याय करिए, ये स्थिति है। और मैं सभी किसान भाइयों से बोल चुकी हूँ कि अब अगर ऐसी गड़बड़ी आप लोगों को नजर आई तो तुलाई बंद करके सब धरना पे बैठ जाए, क्योंकि एक हक की लाई है, किसान खून पसीने की कमाई है किसान की, और ये लोग बेईमानी करके बहुत बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, और उसमें पूरे अधिकारी टोटल मिले हुए हैं, एक भी अधिकारी नहीं है जो इसे इस भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, तो इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो ऐसे आप लोगों को बेवकूफ हर कोई बनाता रहेगा, तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ें।